जी, हमारे साथ उपेन हैं, राजस्थान बेरोजगार महासंघ एकीकृत के संरक्षक हैं। तो उपेन, फिर इस समस्या का समाधान क्या होगा? यदि हम भी ये मांग करने लगेंगे तो फिर हम भी उसी दिशा में चले जाएंगे। ये ट्वीट आया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का, वीडियो आया, उसके बाद विवाद हुआ बिहार में। स्पष्ट लिखा विज्ञप्ति में कि वहां का स्थानीय निवासी होना चाहिए, बिहार की बता रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा 20 राज्य हैं जिसमें हम राजस्थान वाले नहीं जा सकते, हमना हमारा दुकड़ा कहां रखे हैं? या राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं है, या कि वर्तमान राज्य सरकार केंद्र सरकार से निवेदन करती है, केंद्र सरकार इसको मान्यता नहीं दे रही है, तो आखिरकार कहां जाए? हमें गुजराती नहीं आती, हमें कन्नड़ नहीं आती, हमें मिजो नहीं आती, हरियाणा में रोक दिया जाता है, मध्य प्रदेश में रोक दिया जाता है, तो आखिरकार राजस्थान का बेरोजगार कहां जाए? अभी जो कोरोना काल चल रहा है, राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां भर्तियां चल रही है, अन्य राज्यों में साल भर के लिए भर्ती को रोक दिया गया। अभी 31,000 में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती आने वाली है, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड आने वाले, सारे लोग तो यहाँ जाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? राजस्थान के बेरोजगार कहाँ जाएंगे? हमारे पास प्रूफ है, ये सारी ये एविडेंस है, जो भाषा के आधार पे, स्थानीय निवासी के आधार पे, शैक्षणिक योग्यता के आधार पे 20 राज्यों में ऑलरेडी राजस्थान के लोगों को रोका जा रहा है। ये तो आज मुख्यमंत्री जी ने बोला तब एक बड़ा विवाद सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन आज तक राजस्थान वालों के साथ अत्याचार हो रहा था, तो आखिरकार हम चुप थे, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। क्या तो सब जगह हम लोगों को लिया, अन्यथा राजस्थान में भी बारवाड़ों को रोका जाए, ये हमारी मांग है, ये जन आंदोलन, घर घर जाएंगे, हर प्रत्याशी जो एमएलए से मिलेंगे, अन्यथा आने वाले समय बड़ा आंदोलन होगा, ये हमारी आपके मीडिया के माध्यम से पूरी खुली चेतावनी है। एक सबसे बड़ा चीज और बताना चाहूंगा सर, एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने, अभी केंद्र सरकार ने केंद्रीय नई शिक्षा नीति की घोषणा की है, बोले इसमें इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, डेमो क्लासेस लिया जाएगा, अन्य राज्यों में अपने लोगों को लगाने के लिए अन्य राज्यों के इंटरव्यू में फेल कर देंगे, उनको अपने लोगों को लगाएंगे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति का 5 मिनट के इंटरव्यू में उसके ज्ञान का पता नहीं लगाया जा सकता, फिर आप शिक्षक भर्ती में क्यों इंटरव्यू लागू करें, क्यों डेमो क्लासेस लागू करें, इसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा। नेता अपने लोगों को लगाएंगे, अपने रिश्तेदार को लगाएंगे, लेकिन आप गरीब बेरोजगार जो पत्ते जो अपनी योग्यता रखते हैं वो लोग बाहर जाएंगे, फिर ये किस तरीके से नीतियां ला रहे हैं? ऐसे में राजस्थान और देश का युवा अब आक्रोशित है, भर्ती आते नहीं है, आती है तो कोर्ट में लटक जाती है, जी, उपेन, ऐसे नियम बनाए जाते हैं, बेरोजगार लटकते रहते हैं। जी जी संजय जी, अब देखिए, जब नेता ऐसी बात करते हैं तो फिर जो देश का बेरोजगार है, ये राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के संरक्षक हैं और ये तमाम लाखों लोगों की आवाज है, अब इस सुर में आपको वो ध्वनि सुनाई दे रही है।